हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल विद द न्यू वीडियो। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, आज मेरे एक नई वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि अगर तुम्हें ये नहीं पता होगा तो थ्री वेरिएबल के मैप तुम्हें समझने में थोड़ा दिक्कत होगा, ठीक है। तो वो समझने के लिए जो चाहिए थोड़ा सा मैं बताऊँगा, इसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। ये है ग्रे कोड। ग्रे कोड क्या है, क्यों है, कैसे कॉन्सेप्ट किया जाता है, सिर्फ ये थोड़ा छोटा सा जिन्हें बताऊँगा आज का वीडियो में, ठीक है। उसके बाद थ्री वेरिएबल के मैप नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, वहाँ पर ग्रे कोड कैसे यूज़ हुआ, कहाँ पे यूज़ हुआ, वो सब कुछ बताएंगे, ठीक है। तो जो लोग अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, आप क्योंकि यहीं पे मिलने वाला है जितने सब पूरा प्लेलिस्ट में सब वीडियो मिलने वाला है एक साथ, ठीक है। तो ग्रे कोड क्या है, ग्रे कोड का और एक नाम है यूनिक डिस्टेंस कोड। यूनिक डिस्टेंस मतलब एक डिस्टेंस, एक कैसे वो बताता हूँ। एक ग्रे कोड इज एन इनकोडिंग ऑफ नंबर्स सो दैट एडजेसेंट नंबर्स हैव ए सिंगल डिजिट डिफरेंस बाय वन। मतलब दो डिजिट के, मतलब दो नंबर के अंदर एक डिजिट का ही डिफरेंस। बाइनरी में तुम्हें क्या डिजिट का ही तो पता है ना, टू डिजिट, थ्री डिजिट बाइनरी नंबर, फोर डिजिट बाइनरी नंबर। तो उसका उस डिजिट का सिंगल डिजिट डिफरेंस होता है दो नंबर के अंदर, एक सिंगल डिजिट। कैसे, ये देखो, ये रहा 11, ये रहा 10। इन दो डिजिट के अंदर कितने डिफरेंस है, एक ही डिजिट, क्योंकि ये डिजिट सेम है, ये डिजिट का डिफरेंस है। मतलब ये सिंगल डिजिट डिफरेंस को ही हम यूनिट डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। ये क्या है, इसको छोड़ो, कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है उसके बाद बताऊंगा कि कैसे क्या काम है। देखो, इन बिट ग्रे कोड कैन बी जनरेटेड रिकर्सिवली यूजिंग रिफ्लेक्ट एंड प्रीफिक्स मेथड्स व्हिच आई विल एक्सप्लेन बिलो। तो n बिट मैंने क्यों कहा, अगर n के n इक्वल टू 1 हुआ तो 1 बिट हो गया, n इक्वल टू 2 हुआ तो 2 बिट हो गया। तो ऐसे n बिट, n इक्वल टू 50 हुआ तो 50 बिट बाइनरी कोड, ऐसे। तो मैं सबके लिए कोड बोल रहा हूँ, तुम जिसको पर्टिकुलर चाहिए उसमें से तुम ले लेना n इक्वल टू पैटर्न, ठीक है। तो पहले जो हमें क्या करना पड़ेगा, जो फॉलोइंग स्टेप्स हमें फॉलो करना पड़ेगा, क्या है, जेनरेट कोड फॉर एन इक्वल टू 1। एट फर्स्ट वी हैव टू डू जेनरेट कोड फॉर एन इक्वल टू 1। तो अगर एन इक्वल टू 1 बिट, ठीक है, तो 1 बिट का क्या क्या हो सकता है बाइनरी में, सिर्फ 0 और 1, डन। टेक प्रीवियस कोड इन ए सीक्वेंस दैट इज 0 एंड 1, वी हैव टू लिस्ट इट एज ए सीक्वेंस, ठीक है। यह रहा स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 क्या है, एड रिवर्स कोड इन द फॉलोइंग लिस्ट। मतलब जैसे हमें लिस्ट करके सीक्वेंस टेबल रखा है उसका रिवर्स करेंगे कि 0 1, उसके बाद 1, उसके बाद 0, रिवर्स कर दिया, 0 1 का रिवर्स 1 0। मतलब अब हमें क्या, फोर्थ स्टेप क्या है कि नाउ एड प्रीफिक्स 0 फॉर ओरिजिनल प्रीवियस कोड एंड प्रीफिक्स 1 फॉर न्यू जनरेटेड प्रीवियस कोड दैट इज 0 0 0 1 1 1 1 0। यहाँ पे जो चार पांच स्टेप में क्या हुआ वो तुम्हें नीचे मैं एग्जांपल के साथ दिखाता हूँ, ठीक है। जो पहला स्टेप है, वो पहला स्टेप में क्या बोला हूँ कि एन इक्वल टू जब 1 होगा तब कोड क्या है, एन इक्वल टू 1 के लिए आएगा हमें 0 एंड 1, ठीक है। फिर हमें क्या एन इक्वल टू 2 के लिए निकलना है, ठीक है। तो एन इक्वल टू 2 के लिए क्या होगा, एन इक्वल टू 1 के लिए 0 1 है ना, रिकर्सिवली मतलब पहले का यूज करके सेकंड को बनाएंगे रिकर्सिवली, ठीक है। तो इसका हमें क्या किया सेकंड स्टेप में कि एड रिवर्स कोड इन द फॉलोइंग लिस्ट, 0 1 इसका रिवर्स लगा दिया 1 एंड 0, ठीक है। इसका रिवर्स ये रहा, मतलब 0 1 1 के बाद 0 1 0 हो गया। अब थर्ड लास्ट स्टेप में क्या किया कि एड प्रीफिक्स 0 फॉर ओरिजिनल प्रीवियस कोड, मतलब ओरिजिनल प्रीवियस कोड के पहले 0, मतलब ये रहा था ना, ये तो ओरिजिनल था, ये तो उसका रिफ्लेक्स था, तो ये ओरिजिनल के पहले हमें 0 बैठना है और जो न्यू जनरेट कोड हुआ है उससे पहले 1 बैठना है। तो न्यू जनरेट हुआ है, ये रहा ओरिजिनल, ये रहा न्यू जनरेट, तो इसके पहले से ले 1 बैठाएंगे, ठीक है। तो हम तो एन इक्वल टू 2 के लिए ये रहा उसका ग्रे कोड, एन इक्वल टू 3 के लिए क्या होगा, क्योंकि हम मैंने तुमको दिखाऊंगा कि 3 बिट ग्रे कोड कैसे बनाते हैं।
तो n इक्वल टू 3 के लिए सेम यही प्रोसीड्योर यूज़ करेंगे। पहला क्या करेंगे जो है उसको हम लिख लेंगे, ठीक है। क्या है कि 0 0 0 1 1 1 1 0, ये रहा ओरिजिनल, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में क्या बोला था कि रिवर्स कोड इन द फॉलोइंग लिस्ट, इस कोड को रिवर्स करेंगे, 1 0 1 1 0 1 0 0 हो गया। देखो अब एक चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है, इसको बोल के उसके बाद हो गया रिवर्स, इसका मतलब इसका रिवर्स हो गया। अब क्या करेंगे, ओरिजिनल के साथ हम सामने का आएगा 0, जो न्यू जनरेट हुआ उसके सामने क्या आएगा 1। तो ये रहा 0 0 0, ये 3 बिट का, ये 0 0 1 0 1 1 0 1 0, और जो न्यू जनरेट हुआ है उसको वो उससे पहले क्या वो सब बैठेंगे 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0। देखो जो पर्टिकुलर चीज़ मैं दिखाना चाहता था वो है बिट डिफरेंस। देखो ये क्या है, तीनों में 0 है, तो ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 1 है, कितना बिट डिफरेंस है, 1 बिट डिफरेंस। इसके साथ इसके बिट डिफरेंस देखो, 0 0 1 है, ये 0 है, इसका भी 0 है, ये 1 है, इसका भी 1 है, ये 0 है, ये 1 है, कितना बिट डिफरेंस, 1 बिट डिफरेंस। इससे इसका देखो, इसका भी 0 0 है, 1 1 है, 1 0 1, ये भी 1 बिट डिफरेंस। तो तुम अगर हर एक साथ देखना चाहते हो सबका 1 बिट डिफरेंस है, यही है ग्रे कोड, ठीक है। तो इसको हम 3 वेरिएबल के मैप में कैसे यूज़ करेंगे वो मैं उस पर दिखाऊंगा। आज के लिए बस इतना है। सो जो आप तो सब्सक्राइब नहीं कर, सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो वीडियो आज के लिए बस इतना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जाके सब्सक्राइब करना मत भूलना।